सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अकदसो अतहरो आला और बाला वास्ते है। अल्लाह ताला दा निहायत ही फजलो करम है जिस दी तौफीक खास नाल अज असी 7 दिनों तो बाद फिर जुम्मे दे खुतबे अंदर हाजिर होए। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरा और तुसा सारिया का इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। डोंगियां नारोवाल दे गयूर मुसलमानों, बाशऊर नौजवानों, मोहतरम भाई रफाकत साहब, मेरी दिली दुआए अल्लाह ताला इन्हां दे वालिद मोहतरम दी कबर नूं जन्नत दे बागां विचों बाग बनाए, गुनाह माफ फरमाए, दराजात नूं बुलंद फरमाए। और जिन्हें तुसी सारे इस मस्जिद दे नमाजी, इस पिंड दे इलाके तों आण वाले ओ मेरे भाई जान बीमार ने, दुआ करो अल्लाह उन्हां नूं सेहत अता फरमाए। और भी जिन्हां दा चूँकि मैनूं वाकफियत नहीं, नाम याद नहीं, मैं सब वास्ते दुआ करना अल्लाह साहब का बहना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। नबी मोहतरम रसूल मुअज्जम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाइयां। कितनी बेटियां? 4। और फिर अल्लाह ने 4 बेटियां नबी पाक अलैहिस्सलाम नू अता फरमा के रहमत फरमाई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटियां अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर नू अता फरमा के उम्मत नू पैगाम दिता है भी बेटियां मनूस नहीं होंदियां, बेटियां अल्लाह दी रहमत होंदियां दे। मेरे मोहतरम भाइयो, अज दे साडे इस माशरे अंदर 80 से 90% ऐसे घराने ने जिथे बेटियां नू अजीब ही कोई मखलूक समझिया जाता है। कई बेटियां दा हक ही नहीं देंदे ते कई जनाब बेटियां दियां जमीनां मारी बैठे ने, भरावां तों ते सांझे हिस्से मिल गए। लेकिन याद रखिए, जिहड़ा बाप अपनियां बेटियां नूं हिस्सा नहीं देंदा, अपने बेटियां दे दरम्यान तकसीम करदा है, वह अल्लाह दी जन्नत दी उम्मीद ना रखे, कतन उन्दियां नमाजां भी उन्होंने फायदा नहीं देणगियां। वह बंदा जन्नत च दाखिल नहीं हो सकदा जिहड़ा बेटियां दा हक मार के भरा जिहड़े ने ਉਹ जनाब पोचे मार मुर के वेखे ना मेरी भैने तेरे ब्याह ते इन्ना भी खर्च किया। मेरे भाइयों, इंज जान नहीं छुट्टन लगी। हाँ, अगर तुसी हिस्सा देना फिर सांझा तौर पर बेटियां नूं भी बेटियां नूं भी बराबर का हिस्सा जिहड़ा कुरान हदीस के मुताबिक अल्लाह ने बयान किया। जिन्ना हिस्सा बेटी का बनता है उन्ना दे, जिन्ना बेटे का बनता है उन्ना फर्ज अदा कर। मेरे मुहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जो मेरे वाल खींच के जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां का बाप बनाया वो अपनिया धियां दे पैदा होने ते मथे वट नहीं पांदा, अदबो अदाब सिखांदा। जवान हो गई तरबियत करके अपनी बेटी की शादी नेक घराने अंदर निकाह कर दिंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियां के मामले अंदर अजमाए जान वाले बाप के मुतालिका, वालिदैन के मुतालिका आपने फरमाया जिहड़ा बेटियां के मामले अंदर अजमाया जाएगा बाप, वो कल जन्नत अंदर मेरे इस तरह करीब होएगा जिस तरह हाथ दियां 2 उंगलियां करीब करीब ने। मेरे मोहतरम भाइयों, बेटियां अल्लाह की रहमत ने। अज दे खुतबे जुमा अंदर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 1 बेटी और 1 नबी पाक दे दामाद दा जिक्र कर लगा। अल्लाह ने नबी पाक नू 4 धियां दित्तियां। मेरे नबी ने सैयदा ज़ैनब अपनी बड़ी बेटी दा निकाह अबू लहास नाल कीता, जिहड़े के बाद अंदर मुसलमान हो गए। और फिर सैयदा रुकैया दा निकाह हजरत उस्मान गनी नाल कीता और सैयदा उम्मे कुलसूम दा भी निकाह सैयदा रुकैया दी वफात तो बाद सैयदना उस्मान गनी दे नाल कीता। और सैयदा फातिमा दा निकाह हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल कीता। मेरे मोहतरम भाइयो, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम दी प्यारी बेटी, आखिरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आप दे दामाद और चचाजाद भाई सैयदना उस्मान सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अनखो दा अखलाक भी किरदार भी अज तस्करा नबी पाक दे अहले बैत विचों कीता जाएगा कि मेरे नबी ने अपनियां बेटियां दी तरबियत औलाद दी तरबियत किस तरह दी कीती है। आपने औलाद नूं प्यार भी दिता है, मुहब्बत भी दी है, लेकिन तरबियत भी अपनी धियां दी ते अपनी औलाद दी कीती है। इंज नहीं कि बेटियां दे मामले अंदर बंदा सुस्ती करे ना। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार भी दिता है, फरमाया फातिमा तो बेजा तो बिन्नी, लोगो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जदों मुहब्बत दी है इस तरह आखिया हुण देखना मेरे मुहम्मद की तरबियत किस तरह दी गई सल्लम। सानू यकीन जानो को दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, असी अल्लाह का गिला शुरू कर देते हैं, शिकवे शुरू कर देते हैं, लेकिन नबी पाक की तरबियत याफ्ता धी ते दुख आया, परेशानी आई है ते अल्लाह का गिला नहीं किया, ना अपने खामत का गिला किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र किया, सब्र किया परेशानी अंदर। और जनाब अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की रबूबियत की पहचान मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान की बयान करदा है। फरमाया वयुतमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा मेरे मोहतरम भाइयों, मैं इस आयत की तशरीह ते मैं अगे जाके करांगा। मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीते आ 2 साल दा अरसा मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीते आ गुजर गया। इधर मेरे नबी दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जवान हो गई है। जानते हो कि जदों बेटियां जवान हो जांदियां ने ते मापियां नींदरा उठ जांदियां ने। मेरे नबी गांखे बगांखे से तलाश दे अंदर ने कदों को माकूल रिश्ता आवे ते मैं अपनी बेटी दा फातिमा दा निकाह कर दवां। एक दिन मेरे नबी दे दरवाजे ते हजरत अबू बकर हजरत उमर कहते रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा दोवें यार चलते चलते आए, आके कहते ने सोने महबूबा जे गुस्सा ना करो ते तुहाडे नाल कसी मशवरा करना चाहते आ। सोने महबूबा जे गुस्ताखियां ना समझो ते असी तुहाडे नाल इक गलबात करन वास्ते आए आ। फरमाया सोने मरबुमर अबू बकर बोलो ना की कहना चाहते जे। आखे सोने महबूबा वेखो ना तुहाडी बेटी फातिमा जवान हो गई है, तुसी अपनी बेटी फातिमा दा निकाह ते करना ही करना है। सोने महबूबा जे गुस्ताखियां ना समझो ते असी तुहाडे नाल इक गलबात करना चाहते हां। फरमाया मेरे यारो बोलो ते सही ना की कहना चाहते जे। हजरत सैयदना बकर फरमांदे ने सोने महबूबा असी फातिमा वास्ते एक बेहतरीन रिश्ते दा इंतखाब लग आए हां। मेरे आका फरमांदे ने हां मेरे यारो मेरी बेटी फातिमा वास्ते रिश्ता लेके आए जे, मेरी बेटी फातिमा वास्ते रिश्ते दा इंतखाब लेके आए जे ते किंदा इंतखाब कीता जे। हजरत अबू बकर उमर फरमांदे ने सोने महबूबा असी सैयदा फातिमा दा अपने वीर अली वास्ते हाथ मंगण वास्ते आए हां। मेरे नबी पाक फरमांदे ने ओ मेरे यारो मैं तुहाडा आया फैसला कबूल कर लिया है। मैं अपनी बेटी फातिमा दा निकाह अली नाल करम दा फैसला कर लिया है। अली नूं पूछो को खर्चा पानी भी है कि कोई ना, कोई वलीमे वास्ते, कोई जी जेब दे अंदर पैसे भी खर्चण वास्ते है कि कोई ना। मेरे नबी पाक दे दोवें यार हजरत अबू बकर उमर चलते चलते हजरत अली दे दरवाजे ते पहुंचे ने। सलाम आखे अली पाक ने सलाम दा जवाब दिता है। जांदियां नाल हजरत अली नूं अबू बकर उमर फरमांदे ने, ओ वीरा तेनूं मुबारकां होवण, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा दा निकाह तेरे नाल करन दा फैसला कर लिया है। आखे खैर मुबारक। नबी पाक फरमांदे सन अली नूं पुछो ते सही ना, अली दे कोल को वलीमे वास्ते पैसा तेला भी है कि कोई ना। हजरत अली दा पैगाम नबी पाक तक पहुंचया। सोहणिया महबूबा, अली जदों दा भी जवान होया है, काश मैं नबूवत दी पढ़दा पिया है। सोहणिया तुहाडे घर दे अंदर मेरी गुजर बसर होई है। मेरे मोहतरम भाइयो, हजरत अली दे निकाह दा मौका ते जनाब अली दी जेब भी वेली है। हजरत अली दे कोल पैसे ही कोई नहीं। रब असल अंदर दसना चाहते ने हजरत अली नूं मुश्किल कुशा कहण वाले हो, हजरत अली नूं हाजत तरवा कहण वाले हो। पैगाम उन्हां लोकां तक रब दा पैगाम है। मेरे सोहणियो, ओ लोगो, जदों हजरत अली नहीं सन उदों कौन मुश्किल कुशाइयां करदा सी। जदों हजरत अली दुनिया ते आए भी कोई नहीं सन उदों कौन हाजत तरवाइयां करदा सी। पता लगा हाजत तरवा भी अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, बेटियां भी अल्लाह दिंदा है। बोलो बेटे भी, बेटियां भी रब दिंदा है, बेटे भी अल्लाह दिंदा है। और प्यारे अली मुश्किल कुशा नहीं, मेरे नबी अल्लाह दे सांप दे मालिक नहीं। मेरे मोहतरम भाइयो, कायनात दा रब सारा निजाम चलाण वाला ते प्यार दे नाल। मैं ते जगह जगह गली गली पूरे मुल्क दे अंदर अल्लाह दी तौहीद दा जुमला पढ़ दिता है। मेरा दिल करदा है मैं पहली दफा तुहाडे पिंड आया वां ते अल्लाह दी तौहीद दा जुमला पढ़ के ते कुरान हदीस दी गल दी इब्तिदा कर दईए। हाजत रवा कौन? बोलो मुश्किल कुशा कौन है? भाबियां सुनिया देवबंदियां नूं पुत्र तियां कौन दिंदा है? बाबा अली जवेरी दिंदा है, बाबा बुल्ले शाह दिंदा है। और सोहणियो, बुजुर्गी बुजुर्गां दी बेशक बजा है, पर वादे ते घाटे दा मालिक वाहिद खुदा है। साडा इमाम है, इमाम इमामत इमामा दी बेशक बजा है, पर वादे इताअत के लायक सोना मुस्तफा है। मेरे मोहतरम भाइयो, हजरत अली अल मुर्तदा अकीदत दे अंदर आके अपने अकीदे नूं खराब ना करया कर। मेरे सोहणिया, हजरत अली दे कोल पैसे ही कोई नहीं, हजरत अली दे निकाह दा मौका है। फिर मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना वा, प्यार नाल कहना चाहना, अकीदत नाल कहना चाहना, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। मौलाना सफवान साहब भी सामने बैठे ने, मौलवी होके मौलवी का जुमा सुनते पे। हमारा दाता खो, ये मुहब्बत इन्हों की, अल्लाह इन्होंने जुदा दे। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए, हमारा दाता खुदा। जजा साहब, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। थे लोग कंजरा दे मुजरे पड़न ते नहीं शर्मांदे, डूमा दे ड्रामे गाण लग्या नहीं शर्मांदे। मलक साग इधर वेख, इथे ते लोग दुनिया दे अंदर कंजर खाना करन ते उन्हां नूं कोई ना पुछे। मैं रब दी तौहीद दा तराना पड़ा ते मैनू भी कोई नहीं पुछ सकदा। हमारा दाता खुदा, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। रौनमा मुस्तफा और क्या चाहिए। रहनमा कौन है? अली दा बाबा लोगो रहनमा कौन है? जिन्ना दा नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहनमा कौन है? अली दे सुसर मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहनमा कौन है? फातिमा दा बाबा। ओ लोगो जिदी जलवत आला, जिदी खलवत आला, जिदा उठना आला, जिदा बहना आला, जिदी फजर आला, जिदी असर आला, जिदी जोर आला, जिदी मगरब आला, जिदी शाह आला, ओ जिदे लैल भी आला ते नहार भी आला, जिदे अबू बकर आला, उमर आला, उस्मान आला, अली आला, तलहा ते जुबैर आला। ओए ओ फातिमा दा बाबा उम्मत दा रहनुमा है, जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहनमा मुस्तफा और क्या चाहिए। रहनमा कौन? रहनमा जिनके कह तो जो जिनके कहने से बाबे बहिश्त खुले। बाब दरवाजे नू कहंदे ने, बहिश्त जन्नत नू कहंदे ने। असी उस जन्नत विच नहीं जाना जे जन्नत दा दरवाजा शराबी खुलाए, जन्नत दा दरवाजा जानी खुलाए। असी उस जन्नत जाना है जिस जन्नत दा दरवाजा मीना दे लाल ने खुलाना है, ते जिस जन्नत दे विचों गुजरदिया जाना है ते फरिश्तियां कहना है सलामुन अलैकुम। जिनके कहने से बाबे बहिश्त खुले, हमको उनके सिवा और क्या चाहिए। आओ मैं अपने मौजूद वाला वा सैयदा फातिमा मेरे पैगंबर दे दरवाजे ते मेरे नबी दी फातिमा बेटी दी बरात आ गई है। कौन फातिमा? जिदे बारे मेरे पैगंबर फरमाया करते सन फातिमा तो बेजा तो मिलनी, फातिमा तो बेजा तो मिलनी। और लोगों जिन्हें फातिमा नु तकलीफ दिती है उन्हें मैं मुहम्मद नु तकलीफ दिती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात दे लोगो, डोंगियां वालेओ, नारोवाल ते रहन वालेओ, मेरे बुजुर्गो जवानों तो जो मेरे वाल कीजिए। जदों मेरे नबी अपनी बेटियां नाल मुलाकात करया करदे सन ते अपनी धीआं दा मत्था चुम्या करदे सन। मेरे नबी अपनी बेटियां दा मत्था चुम्या करदे सन। बरात सैयदा फातिमा जन्नत दी औरतां दी सरदार बीबी दी बरात मेरे नबी दे दरवाजे ते आ गई है। मेरे नबी दा चेहरा आंसुआं दे नाल तार हुंदा पिया है। ओ लोगो क्यों ना मेरे नबी रोवण? मेरे नबी जी नबी दी धी जो अपने घर दे अंदर चली है। सियाणे कहंदे ने बाप पत्थर दिल क्यों ना होवे, मां पत्थर दिल क्यों ना होवे। ओ लोगो जदों अपने घरों धीआं नूं टोरन दा वक्त हुंदा ही ते अखां विचों खंजू निकल आंदे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर ते तशरीफ फरमाने ते नकात दा मसनून खुतबा पढ़ाया। मेरे नबी ने नकात दा मसनून खुतबा पढ़ाने तो बाद हिजाबो कबूल करवाने तो बाद आप फरमांदे ने ओ मेरे यारो मैं अपनी बेटी फातिमा दा निकाह अली नाल कर दिता है, गवाह मैं अबू बकर ते उमर ते उस्मान नू बना दिता है। मेरे पैगंबर घरे पैगाम भेजदे ने मेरी बेटी फातिमा नू तैयार किया जाए। और लोगों हुण गल बड़ी दुख दी है ते प्यार दी भी है। मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा दी मां भी कोई नहीं, मेरे नबी दी बेटी फातिमा दा भाई भी कोई नहीं, मेरे नबी दी बेटी फातिमा दी होर बहना भी कोई नहीं। मेरे पैगंबर दी बेटी दी फातिमा दी रुखसती दा वक्त आया। मां उम्मे सलमा कह दियो न रजी अल्लाह तआला अन्हा मां उम्मे सलमा दी जुबान विचों गल निकली है नी फातिमा जो तो प्यारी ते किन्नी लगदी पई है। फातिमा अज तेरा शादी दा मंजर किन्ना प्यारा जिहा है, लेकिन फातिमा है ते मैं भी तेरी मां लगनी वा, है ते उम्मे सलमा मैं भी तेरी मां लगनी आ, है ते आयशा सिद्दीका भी तेरी मां लगदी है, लेकिन काश फातिमा आज तेरे नकाब दे मौके ते तेरी अम्मा खदीजा भी जिंदा हुंदी ते तेरी मां नूं भला किन्नियां खुशियां होनियां सन। ओ लोगो हाय उम्मे सलमा मां खदीजा दी याद किथे सैयदा फातिमा नूं करा दित्ती है। ओ लोगो फातिमा ते नबी दी बेटी रोण ही लग पैंदी है मां दा जिक्र सुनिया। मेरे सोहणियो अज बाप दुनिया तो चला जाए, मां दुनिया तो चली जाए, ओ लोगो मां बाप एक बार दुनिया तो चले जान ते परद के भला कदों मापे लभदे नहीं। मेरे आ सुनिया गल मैं प्यार दी करना चाहना, आ मैनू बुढ़ड़े बुढ़ड़े बुजुर्ग ते अपने बाबे भी नजर आंदे पे ने, मैं पुछना चाहना बाबा जी मैनू ईमानदारी नाल दस्या जे क्या तुहानू अपना मोया बाप कदी याद आया कि नहीं आया, कदी फौत होने वाली अम्मी याद आई है कि नहीं आई। मैं कहना वा अगों बाबा जी कहते ने मौलाना किवें दी गल कीती जे, मां नूं केड़ा बंदा मां बाप नूं याद नहीं आ, मां बाप केड़े बंदे नूं याद नहीं आंदे। मेरे सोहणिया मां नूं फौत होया 10 साल दारसा दुनिया तो बीत गया, बाप नूं फौत होया 15-15 साल अरसा 20-20 साल, कईयां दे मापियां नूं फौत होया 30-30 साल दारसा गुजर गया, कईयां दे मापियां नूं फौत होया 40-40 साल, और कईयां दियां उमरां अपनी अम्मी जान ते अबू जान तों भी बड़ियां हो गईयां ने। ईद दा मौका आया, ईद दे मौके ते ओ लोको इस बुजुर्ग दे पोते भी मौजूद ने ते दोते भी मौजूद ने। ए बुड्ढा बाबा सफेद दाढ़ी लैके अपने बाप दी कबर ते बैठ गया है, अपनी मां दी कबर ते बैठ गया है। तसव्वुर दे अंदर ही कहंदा नी अम्मा नी मेरी ये प्यारी अम्मा उठ के वेख ते सही ना, नी मेरी ये अम्मा जदों तेरी खिदमत दा मौका आया ते तू दुनिया छड़ के चली गई, अब्बा वेख ना जदों तेरी खिदमत दा मौका आया ते तू दुनिया छड़ के चला गया। मेरे सोहणियो मां दी कबर ते बैठ के रो रहा है, बाप दी कबर ते बैठ के रो रहा है, मां टुर गई है बाप चला गया है। कायनात दे लोगों अखा रोंदियां रह जांदियां ने पर मापे कदों आंदे ने। मेरी सुनियो हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई बाप दे साक वर्गा, ओए हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई मां दे साक वर्गा। पुत्र जमाने दा पावे वली होवे पर नहीं जे नेक मां दे प्यारां दी खाक वर्गा, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, लोको मां जैसा दुनिया ते कोई गमखार नहीं। अज स्कूलों मदरसों दा जनाब तालिब इल्म 15-15 दिन बाद आंदे ने, 2-2 साल बाहर दे मुल्कां च 5-5 साल गुजरन तो बाद दा बेटा आंदा है। मेरे सोहणियो एदे बाप नूं पता लगा, एदी मां नूं पता लगा आज मेरा बेटा 15 दिनों तो बाद छुट्टी आ रहा है, मेरा बेटा मदरसों ते यूनिवर्सिटियों दे जनाब छुट्टी आ रहा घर दे अंदर। मां ने सोचना मेरे पुत्र नूं केड़ा खाना पसंद है, बाप ने अपने बेलियां ते यारां अंदर गल्लां करनियां ने, ओ मेरे संगियो अज मेरा पुत्र 10 सालां तो बाहर दे मुल्कों आंदा पिया है। मां कहंदी है मुख्तलिफ किस्म दे खाने मां तैयार कर रही है, बेलकार महल्ले दियां औरतां पुछदियां ने नी बीबी तेनू की बन गया इन्ने खाने क्यों तैयार करदी पई है। ए कहंदी है तुहानू पता नहीं अज मेरा बेटा आ रहा है, अज मेरा पुत्र आ रहा है, अज मेरा लखते जिगर आ रहा है। ए बुढ़ा बाबा बेचारा जनाब अपने टुरन तू भी आवाज आ रहा है, वही खुश हुंदा रोंदा पिया अपने आप दे अंदर बड़ा खुश है, अज मेरा पुत्र आ रहा है, अज मेरा लखते जिगर आ रहा है। और लोगों जब बेटा आया है तो मां ने बाप ने चुक के सीने नाल ला लिया है। मेरे मोहतरम भाइयो अज मैं जड़ी गल कहना चाहना, अज मां कफन दियां बुकड़ा मार के दुनिया तो टुर गई है। और लोगों अज बाप कफन दियां बुकड़ा मार के वापस ना आने वास्ते कबर दे अंदर चला गया है। अज बाप दा ए पुत्र परदेसों आया है ठुड्डे ते थके खांदा खांदा। अज लोगों घर दे दरवाजे ते प्यार करने वाला अब्बा नजर नहीं आंदा। और लोगों बिस्मिल्ला करके प्यार करने वाली ओ चार पाई तो उठ के प्यार वाली मां नजर नहीं आंदी। और लोगों अज घर दे वेड़े दे एक एक चीज घर दे वेड़े दा माहौल इनू वड 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 के खान नू फिरदा ही जिथे अब्बा नजर नहीं आंदा, जिथे प्यार करने वाली मां नजर नहीं आंदी। अज चार पाई ते पई है लेकिन उस बाप दी दुनिया तो जुदाई पै गई है। अज जगह ते मौजूद है जिथे दा बाप बह के दिल प्यार करया करदा सी। अज चुल्हा ते मौजूद है जिथे मां रोटियां पकांदी हुंदी सी। ए मापियां दी कबर ते बह गया कहंदा नी मेरी अम्मा तू मेनू चपातियां पका पका के स्कूले भेजदी हुंदी सी। अम्मा मेनू देसी घ्यो दियां चपातियां पका के मेनू खवाया करदी सी। लेकिन याद रखो ओ बाप मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। लोगों मां दे प्यार जिया किसे दा प्यार नहीं। मां एक ऐसी है अजीम हस्ती लगे मावा बाज अपनी बेगानी बसती। लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं। लोगों मां दे प्यार जिया किसे दा प्यार नहीं। फरमाया वाका रब्बु का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु व बिल वालिदैनी इहसाना। फरमाया लोगो वालिद बड़ी चीज है, मां बड़ी चीज है। अल्लाह ने कुरान अंदर अज फातिमा नू याद आई है तो एवं नहीं आई। और लोगों मापे ते ऐसी बहार ने मापिया दी याद ते उच्चे पैगंबर मुहम्मद नू भी आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी अपनी जिंदगी दा वक्त गुजार दे पैनी दर तवज्जो मेरे वल करे। आज एक सहाबी कहंदा है अल्लाह के नबी जी की ख्याल है तुहानू अपनी अम्मी मोई याद आती है कि नहीं? तुहानू फौत होने वाले अपने अब्बा जान अब्दुल्ला की याद आती है कि नहीं? ते मेरे नबी दियां अखियां डुल पैंदियां ने। आप फरमाते ने ओ मेरे प्यारे आप किन्नू अपने मापे याद नहीं आते। मेरे माप आप वेखो ना अल्लाह ने तुहानू दौलत भी बड़ी दिती होएगी, अल्लाह किस्मत दे अंदर करे। अज दा दौलतमंद चाहे अपनियां दौलतां दे जरिए पूरा नारोवाल ते पूरा पसरूर खरीद सकदा है। जे कोई चाहे ते अपनियां दौलतां दे जरिए पूरी सोसाइटी खरीद सकदा है। जे कोई चाहे ते अपनियां दौलतां दे जरिए जे को मेरी गल दा गुस्सा ना करे ते समीउल्ला साजिद फकीरे भी कहेगा। जे को चाहे ते अपनी दौलतां दे जरिए अपनी पसंद दी बीवी भी खरीद सकदा है, बीवी भी खरीद सकदा है। लेकिन जाओ 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 मेरा चैलेंज कयामत दियां कंधां तक वास्ते रखो अपने करोड़ां दियां दथियां अपने हत्थां ते, रखो अपने लखां दियां दथियां। जाओ नारोवाल दे किसे महल्ले ते किसे बाजार दे अंदर जिथे लख दे के मोए बाप दा प्यार लभ जाए, मोए मां दियां मुहब्बतां लभ जान। ओ लभ जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं। लोगों मां दे प्यार जिया किसे दा प्यार नहीं। ते मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मस्जिद नबवी अंदर पैगाम भेजा गया आका जी जरा जल्दी घर तशरीफ ले आओ, तुम्हारी बेटी फातिमा रो रही है। जानते जे जदों तियां दियां अखां विचों आंसू आंदे ने ते मापे ते कुर्बान होण ते चले जांदे ने। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे अंदर आए ने ते आके अपनी बेटी इधर मेरे वाल वेखो सैयदा फातिमा दे सर दे उत्ते मेरे नबी ने हथ रख दिता है ते मेरे नबी दे ज़हन अंदर ए वे पता नहीं मेरी धी फातिमा नूं अली दियां गुरबतां याद आ गईयां ने ते तां रोंदी पई है। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गल नहीं ए जन्म दी गर्मी इंशाअल्लाह कट देगी अल्लाह दे फजल नाल। दुआ करो अल्लाह ताला सानू सारियां नूं जन्नती बना देवे, अल्लाह जहन्नम तो बचाए, आमीन कह दियो। वेखो ना आ जिहड़ी गर्मी है ना ये बर्दाश्त तो कर लवो, अल्लाह ताला तुहानू इंशाअल्लाह इहदा सिला भी देगा। मलक अब्दुल क्यूम साहब भी वेखो नारोवाल तो आए माशाअल्लाह। तो जो मेरे वाल ते मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे ज़हन अंदर एवे के फतह ता नहीं फातिमा नू अली दियां गुरबतां याद आ गईयां। मेरे नबी फरमांदे ने ए मेरा पुत्र फातिमा, मेरा बेटा फातिमा, अली माड़ा जरूर है लेकिन अली दा ईमान बड़ा पक्का है। अली दा ईमान बड़ा पक्का है। असी अज अपनिया बेटियां देने रिश्ते करने साडा दमाद करोड़पति होना चाहिए। इधर मेरे अल वेखो कोई गल नहीं यार, साडा दमाद अरबपति होना चाहिए। असी ते बेटियां दे रिश्ते नोटां दियां दथियां ते करने वां लेकिन मेरे नबी पाक का इंतखाब किए। हाँ दौलत भी मिल जान गियां, पैसे भी मिल जाएंगे, ओए सोनिया जिथे ये वेखना साडा दमाद करोड़पति है कि कोई ना, उत्थे ये भी वेख लिया कर साडा दमाद नमाजी भी है कि कोई ना। धियां दे घर क्यों उजड़ते हैं? जदों असीं रुपइयां दीयां दथियां ते धियां दे रिश्ते करने ने, इस्लाम नूं वेखना ही नहीं तो फिर की होना? हाय हाय फिर तलाकां होंदियां ने। मेरी ईमानदारी नाल दस्सिया जे जिदा दमाद पांच टाइम दा नमाजी है तेरी धी नूं पांच टाइम दा नमाजी मोमन तकलीफ आण देवेगा? साडा ते ईमान नहीं आन देगा। हाँ हाँ सुनियो इंतखाब मेरे पैगंबर लिखे सलाम ने अल्लाह दे नबी नू किसे घर विचों दसिया सुनिया फातिमा अली दियां गुरबतां याद करके नहीं रो रही बल्कि फौत होने वाली अम्मी खतीजा नू रोंदी पई है। मेरे नबी दे भी आंसू निकल गए। आखिर मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा दा रुखसती दा वक्त आया ते आप फरमांदे ने ए उम्मे सलमा ते आशा के आओ ना अपनी बेटी फातिमा नू विद्या करो। जदों बेटियां नू विद्या करन दा मौका आउंदा है ओ लोको भरा रोण लग पैंदे ने, चाचे रोण लग पैंदे ने, मां रोण लग पैंदी है। ओ लोको मां नू अपनी धी दियां 20 साल दियां मुहब्बतां याद आ जांदियां ने। पुत्तर दियां लोको बाप नू अपनी बेटी दियां 15 साल दियां मुहब्बतां याद आ जांदियां ने। लोगो भरा गले लग लग के भैणां दे रोंदे ने, लोगो बाप रोंदा। मेरे नबी दी बेटी फातिमा नू रुखसत कीता है। मेरे नबी ने रुखसत कर लग्या मेरे नबी ने ओ यादगार अल्फाज मेरे नबी ने बोले। आ फरमांदे ने मेरा पुत्र फातिमा वेखी मेरा अली कमजोर जिहा ही ते मेरे अली नू तंग ना करया करी। फरमाया मेरी बेटी फातिमा अली मेरा कमजोरी दे अली नू तंग ना करी। हुण तरबियत वेखना। आखिर मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी रुखसत हो गई, अली पाक दे घर चुर गईयां ने रजी अल्लाह तआला। आखिर मेरे नबी दी बेटी दी शादी हो गई है। सेकंड मिनट अंदर मिनट घंटे अंदर ते दिन जेड़े ने हफ्ते अंदर हफ्ते महीने अंदर तब्दील हुंदे पए ने, महीने सालां अंदर बदलदे पए ने। ते मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा ते सरताज अली उल मुर्तजा आपस अंदर दोवां जियां दी कोई नाराजगी बन गई है, कोई चपकलश दा मामला बन गया है। ते सैयदा फातिमा नबी दी बेटी अपने खावंद नाराज होके ते अपने बाबा मुहम्मद दे घर दे अंदर आ गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरे पैगंबर जान दे हो जदों बेटियां अपने मापियां नू मिलण वास्ते आउंदियां ने ते मापियां नू ते चाह चढ़ जांदे ने। मेरे नबी ने जद देखा मेरी बेटी फातिमा आई है, आप फरमाते ने मैं कुर्बान जावा मेरा पुत्र फातिमा अज किंज आई है। आखे अब्बा जी अली ना नाराजगी बन गई है। सुनो सुनो तुसी बेटियां वाले बैठे जे, अब वेखो मेरे पैगंबर दी तरबियत। मेरे पैगंबर परेशान हो गए ते आपने उत्थे भी यादगार अल्फाज बोले मेरे पैगंबर ने, जिहड़े शायर किसे बाप नूं कयामत दियां कंधां तक तौफीक होवे ना बोलण दी। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरा पुत्र फातिमा जा वापस मुड़ जा, तू अली ना नाराज होके आई है। ए मेरा पुत्र फातिमा तेरे बाबा मुहम्मद दे घर दे दरवाजे तेरे वास्ते कयामत दियां कंधां तक वास्ते खुले नहीं, लेकिन तू अपने खामद ना नाराज होके आई है। जा वापस मुड़ जा, जे तेनों अली दी अपने खामद दी नाराजगी दे अंदर अपने बाबा मुहम्मद दे घर दे अंदर मौत आ गई ते मैं तेरा अबू मुहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ावांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नहीं आखिया आजा हां तेरे 10 भरा किदे वास्ते, आजा तेरा बाप अल्लाह दा नबी है। ओए असी अपनियां धियां दे घर अपनियां बहनां दे घर अपने हथी उजाड़ने आ। धीए जे सास एक गल करे ना ते तू धीए अल्लाह कीती खैर चौधरी दी धीए ते तू पंज छत ओदियां पीड़ियां पुण के ना आवे ते चौधरी दी धी नहीं। धीए जे तेरी जेड़ी सास है ना तेरा सौरा एक सुनाया तू 10 सुना के आ, अल्लाह कीती खैर तू चुधराणी दी धी है। तेरे भरावां दे 10 मरबे किले जमीन है, ये की हो रहा बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन जड़ियां नेक धियां नेक मावा हुंदियां ने वो तरबियत जुदियां करदियां ने। दुआ करो अल्लाह मावा बहनां नूं साडियां भी बहनां नूं साडियां भी मावां नूं नेक तरबियत करन दी तौफीक देवे, आमीन कह दियो। ते नेक तरबियत पता किंज दी हुंदी है? औरत होवे जो खामद नूं रखे राजी, समझ आ रही है माशाल्लाह। औरत होवे जो खामद नूं रखे राजी ते मन्ने उस दे सब अशारियां नूं, घरों टुरदियां मां धी नूं मतां देवे। नी धीए मेरी एक गल दा खास ख्याल रखी, जिथे खामद तेरा अपना कदम रखे नी धीए तू उथे अपने सिर दे वाल रखी। घरों टुरदियां मां तीनों मतां देवे। नी मेरी धीए जे सारे जग नाल वी ना बन सके तेरी ते सुला खामद दे नाल रखी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए मेरा पुत्र फातिमा जे तेनों अली दी नाराजगी अंदर मेरे घर अंदर मौत आ गई, मैं तेरा बाबा मुहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ावांगा। मेरे नबी अपनी बेटी नूं अपने घर टोर के ते आ मस्जिद नबी वाल टुर पैंदे ने। नबी पाक नूं इन्ना पता सी कि मेरे किसी यार नूं दुख आउंदा ते मसीते ही हुंदे ने। ते साडे मुंडियां अंग नहीं कोई परेशानी आई ते लैण गड्डी थले सिर दिता, चुभे मार गोलियां खा के डुब के मर गया। ये साडे मुंडियां दी तरबियत है। लेकिन मेरे पैगंबर मस्जिद नबी अंदर पहुंचे ने, दुआ करो अल्लाह विखणी नसीब फरमाए। ओ की दसा मदीने दा की सोना, घर घर सोहना, जी जी सोहना। कह दो सुभान अल्लाह। तो मौलवी नूं वेंदे पे मौलवी हलाल होण दिया, कहो सुभान अल्लाह। ओ की दसा मदीने दा की सोना, घर घर सोहना, जी जी सोहना। ओ दिल खिच दियां वांग मुहब्बतां दे, भेड़ां बकरियां गावां मदीने दियां, सुभान अल्लाह। ओ जदों कंधां दिसण मदीने दियां तैवां सारियां ठरदियां सीने दियां। मलक अब्दुल कयूम साहब बाबा समझाम बोलिया बाबा समझाम वो जदों गंदा दिसन मदीने दिया तेवां सारियां डर दियां सीने दियां ओ दिलों हसद ते बुगज कीने दियां वावा खूब सफाइयां हुंदियां ने। मेरे नबी मस्जिद नबवी अंदर पहुंचे ने हजरत अली उल मुर्तजा रब दा शेर रब दी मिट्टी वाली जमीन ते मस्जिद नबवी दे वेड़े अंदर ही लेटे है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी जाके फरमांदे ने या अबू तुराब ओ मिट्टी दे बावेया अली जी इथे पै जे ते अल्लाह ताला नु मेरे पैगंबर दा अबू तुराब कहना इन्ना पसंद आया अल्लाह ने रहमती दुनिया तक वास्ते अबू तुराब लकब मेरे अली दा पा दिता है। रजी अल्लाह ताला ते हजरत अली फरमाते नहीं आखिया सोनिया तुहाडी बेटी फातिमा ने मैनू तंग किया ते मैं मस्जिद अंदर आ गया ना। फरमाते ने सोने बस नींद आ गई सी ते मैं सोचिया मैं मस्जिद नबवी अंदर ही लेट जाना। आप फरमाते ने अली जी उठो घरे चलिए। मेरे पैगंबर अपने दमाद नू लैके अपनी बेटी ते अपने दमाद दे घरे टुरे जा रहे ने। ओ डोंगियां वालेओ मैनू अल्लाह दी कसम जे तुहानू इंज दा अज तक दमाद भी नजर नहीं आएगा ते इंज दा अज तक सुसर भी नजर नहीं आएगा। मेरे पैगंबर इंज सैयदा फातिमा तो जारा बैठ गई है इंज सैयदना अली उल मुर्तजा पै गए ने। आप फरमाते हो मेरे बच्चों दसो ना आपस अंदर लड़े कादे वास्ते से हुन सैयदा फातिमा हजरत अली बोलते नहीं किधरे बा नबी पाक दियां गुस्ताखियां ना हो जान ते सैयदा फातिमा बोल दियां नहीं किधरे बाबा नाराज ही ना हो जान। मेरे नबी फरमाते ने ओ मेरे बच्चों आपस अंदर सुलह करो सुलह करो। मेरे आका ने अपने दमाद दी ते अपनी बेटी दी सुलह कराई है। मेरे नबी दा चेहरा खुशी नाल तमतमांदा पिया। आप अपने सहाबा दे मजमे अंदर आए ओ लोगो सहाबा कहंदे ने सोहणिया महबूबा अल्लाह ने तुहानू वैसे ही बड़ा प्यारा बनाया है अज जरूरत तों ज्यादा ही खुशी दे अंदर जे की वजह बनी है। ते मेरे नबी फरमाते ने ओ मेरे साहबा अज मैं अल्लाह दी इस ज़मीन ते अल्लाह दी इस ज़मीन ते बेहतरीन जोड़े दी सुलह करवा के उन्ना पियावा। अज मैं बेटी ते जनाब दामाद दी सुलह कराइए ते दुआ करो अल्लाह सानू भी सुलह दी तौफीक देवे। असीं ते पक्की गंढ मारी है पांच नमाज़ां पढ़ने सके भरा नूं नहीं बुलांदा नमाजा तहज्जुद भी नहीं छड़ता तो सकी मां नूं नहीं बुलांदा सके बाप नाल विडी है। याद रखिए जिहड़ा बंदा अल्लाह की रजा वास्ते किसी नूं माफ नहीं करता मेरे नबी फरमाते ने तीन दिनों तो बाद उस बंदे की कोई इबादत कबूल। ये कभी हदीसां नहीं पढ़ियां आ नहीं हदीसां पढ़ियां जिद दे विच ही अपनी जिंदगी लगा दी है। इन्ना गंद साढ़े ज़हन के अंदर नमाज पढ़ने ते हसद दियां पूरियां टंकियां पेटां च भरियां ने। मेरे पैगंबर दी बेटी दी तरबियत मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मेरे वाल वेख्या ते सैयदा फातिमा ने फिर दुख किन्ने वेखे ने। दो दो महीने चूल्हे दे अंदर अग ना बलनी ते कदी ना खावंद दा गिला करना ना अपने बाप दा गिला करना ना रब दा गिला करना। एक दिन सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला नो एक दिन जौ पीस के आटा बनाया ते जनाब घरे लैके आए ने। आप फरमाते ने नी फातिमा इंज कर खाना तैयार कर। सैयदा फातिमा ने खाना तैयार किया इन्नी देर नूं बाहर दस्तक कोई है की वेखिया बाहर मिसकीन आया ते खाना चुक के मिसकीन नूं दे दिता। सैयदना अली फरमाते ने फातिमा फिर खाना तैयार कर। दूसरी मरतबा फिर खाना तैयार किया इन्नी देर नूं फिर दस्तक होई है कि वेखिया बाहर यतीम आया ते खाना चुक के यतीम नूं दे दिता। हजरत अली फरमांदे ने नी फातिमा फिर खाना तैयार कर। सैयदा फातिमा ने फिर खाना तैयार किया इन्नी देर नूं फिर दस्तक होई है कि वेखिया बाहर कैदी आया ते खाना चुक के कैदी नूं दे दिता। ते आपां दा महल्ले दा गुआंढी भुखा मर जाए ते आपां कदी गिलास पानी दी पानी दा भी ना दईए। सक्का भरा माड़ा होवे ते बीवी कहंदी मरन दे मगरू लैण दे तैनू की तकलीफ है। ना सुनियो अपने भाइयां नाल तामन करया करो। मेरे महबूब पैगंबर मेरे पैगंबर दे अली इस्तामाद सैयदा फातिमा नू हजरत अली फरमांदे ने फातिमा खाना तैयार कर। मेरे नबी दी बेटी हंजू बहा के सैयदना अली नू कहंदी है सोहणिया ए मेरे सरताज अली जी जिहड़ा घर दा राशन ते समान सी ओ ते सारा ही अल्लाह दे रस्ते दे अंदर तकसीम हो गया। हजरत अली फजर दी नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद नबवी दे अंदर जा रहे ने। अल्लाह ने सारी कार्रवाई कुरान बना के मेरे मोहम्मद दे सीने ते नाज़िल करती है। आप फरमांदे ने अली मेरे करीब आ जा, रात दी तेरी सखावत वेख के मेरी बेटी दा सबर वेख के अल्लाह ने कयामत दियां कंधां तक वास्ते तुहाडा दुआ जियां दा जिक्र अपने कुरान दे अंदर कर दिता है। फरमाया फिर फातिमा ने दुख अगे किन्ने वेखे ने। फातिमा नूं ते अपने अबू जान दी जुदाई दा भी दुखन वेखना पिया। मेरे नबी दा आखिरी वक्त सैयदा फातिमा तू ज़हरा ते बाबा मेरे तेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सकरातुल मौत शुरू दे। ओ सोहणिया मौत नबियां नूं भी आई है ते मौत वलियां नूं भी आई है। मौत किसी की तोहीन बन के नहीं आती। नेक मौत अल्लाह की मुलाकात का जरिया बन के आती है। मीम मौत दी आके जदों वाह लगी लोग बस दे घर वीरान हो गए। उल्लू बोलदे ने सुजियां बैठकां ते पर खाली बंदे आबाज मकान हो गए। और पुत्र जिन्ना दे नहीं इस जहान अंदर गुम होना ते नामो निशान हो गए। और जिन्ना बागा दे गहने टुर माली उते सुक के टिंगरा वांग हो गए। मेरे नबी ते आखिरी वक्त आया। आप फरमाते ने नी आयशा इंज कर मेरी धी फातिमा नूं ते आवाज मार के लैके आ। जान दे जदों बंदा मरग ते बीमारी दे बिस्तर ते पिया होए बंदा अपने नूं याद कर करके रोंदा है। बंदा अपने पोतियां नूं अपने दोतियां नूं याद करदा है। मेरे नबी फरमांदे ने नी आयशा मेरे हसनो हुसैन नूं भी जरा आवाज मार। ओ लोगो मेरे नबी दी धी फातिमा टुरी आंदी है ते नाल हसनो हुसैन दो शहजादे भी आंदे ने मेरे नबी दे नवासे। मेरे नबी दी अखियां डुल पईयां ने। ओ कायनात दे लोगो अगे ते मेरे नबी अपनी बेटियां दा उठ के इस्तकबाल करया करदे सन। अज कमजोरियां इन्नियां हो गईयां ने उच्चे पैगंबर को उठिया भी नहीं जा रहा। मेरे नबी दी बेटी बाहर दरवाजे ते पहुंची है। कोई दरवाजा खड़काण वाला दरवाजा खड़का रहा है। बोलता भी नहीं ते बस दरवाजा ही खड़काई जा रहा है। इधर सहीहुल बुखारी मेरे नबी दे कोल नूरियां दा सरदार जनाबे जिबरील मेरे नबी दे सराणे आके बैठा है। ते सैयदा फातिमा वापस मुड़ के कहंदियां ने अब्बा जी बाहर को बंदा दरवाजा खड़का रहा है, बोलता भी नहीं ते बस नजर भी नहीं आंदा। पता नहीं तुहाडा कोई सहाबी आया या कोई राबी पता लैण आया। जिबरील कहंदा सुनिया मलाकुल मौत आया अल्लाह ने भेजे है ते रब ने पाबंद करके भेजे है। मेरे नबी वाल जा रहे हैं ते इजाजत लैके दरवाजा खड़का के जाई ते क़यामत तक किसी को होर इजाजत ने लैनी भी नहीं, इस पहला लई भी नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी इजाजत जरूरी है। अल्लाह फरमांदे ने मौत दे फरिश्तिया अगर मेरा नबी तेनू इजाजत दवे ते तां अंदर जावी नहीं ते पिछे ही मुड़ के आ जाई। अगर मेरा नबी मेरे कोल आना चाहते ने ते ठीक है, अगर मेरे नबी दुनिया ते जिंदा रहना चाहते ने ते मैं अपने पैगंबर नू कयामत दीयां कंधां तक वास्ते जिंदा रखांगा। आपने चेहरा समाना वल कीता है। आप फरमाते ने अल्लाहुम्मा बिरफीकिल आला। मेरे नबी ने चाहते नवार अल्फाज बोले। आयशा फरमादियां ने जदों नबी पाक ने दुनिया छोड़ी है भई ना साहरी व नाहरी घर भी मेरा सी ते गोद भी मेरी सी। जदों नबी पाक ने दुनिया छोड़ी है मैं अपनी गोद के अंदर नबी पाक दा सार मुबारक रखिया सी। नबी पाक फरमाते ने नी आयशा इंज कर मैनू उठा के बैठा दिता फरमादा है। मेरे पैगंबर ने हजरत आयशा फरमादियां ने मैं उठा के बैठा दिता है। नबी पाक ना बैठे ने ना लेटे ने, बस दरम्यान के अंदर मेरे नबी बार बार फरमा रहे ने मैं अपने आला रब दियां मुलाकातां अंदर जा रहा। और लोगो अम्मा फरमादियां ने फिर आहिस्ता आहिस्ता नबी पाक दा हाथ मुबारक जमीन वाला जाता है, मेरे नबी दे जिस्म दा वजन मुबारक अम्मा फरमादियां ने मेरे जिस्म ते आ पिया ते मैं जल्दी जल्दी गाल ना नबी पाक नु चार पाई ते लिटा दिता है। ते जदों मैं गौर नाल देखिया ते मैनू यकीन हो गया कि अज फातिमा यतीम हो गई है, अज नबी पाक दुनिया छोड़ के चले गए ने। फातिमा ने नबी पाक दी वफाते पाक ते एक दो जुमले बोले, हाय हाय लोगो मेरे अबू जान मैनू छोड़ के ते जन्नत दे अंदर डेरे ला लैने। अबू जी तुसी जन्नत दे अंदर चले गए जे, तुसी अल्लाह ताला दी जात ने बुला लिया। अज सारियां नू पता लग गया कि फातिमा दे बाबा दुनिया छोड़ के चले गए ने, लेकिन हाय हाय उस वही वाले फरिश्ते नू कौन दसे गम दे अंदर फातिमा कहंदी है। हाय अल्लाह उस वही वाले फरिश्ते नू कौन दसे कि जड़ा जिब्रील दिन रात मेरे अब्बू ते कुरान लेके आंदा सी, उस वही वाले फरिश्ते नू कौन दसे ओ जिब्रील जिस मेरे अब्बू मुहम्मद ते तू कुरान लेके आंदा सी मेरे अब्बू फौत हो गए ने, मेरे अब्बू दुनिया छड़ के चले गए ने। सैयदा फातिमा 6 महीने मेरे नबी पाक दी वफाते पाक तो बाद जिंदा रही है ते किसे भी फातिमा नू बाप दे अंदर मुस्कुरांदियां वेखिया ही कोई नहीं। अज फातिमा ते भी मौत दा करीब वक्त आया, अपने खामत नू बुलाया ते खामत नू एक दो वसीयतां नसीहतां कर दित्तियां ने। पता लगा बंदा दुनिया दे जिंदगी दे आखिरी पीरियड होवे बुजुर्गी होवे ते उन्होंने कोई वसीयत नसीहत कर देनी चाहिए। उन्होंने वसीयत बोलो अपने बच्चों नू ये नहीं करनी चाहिए कि पुत्र मरदा मर जाई लेकिन बदला जरूर लेना ही, इंज दी वसीयत नहीं चलनी। मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा कहो रजी अल्लाह तआला क्या तो रजी अल्लाह तआला हानहा फरमादियां ने मेरे सरताज अली जी इधर मेरे वाल वेखो वेखो ना मेरा तुहाडा इन्ना वक्त निकाह दा जिंदगी दा पीरियड गुजरिया है, अली जी वेखो ना मैं तुहाडे नाल अपनी जिंदगी दा निकाह दा वक्त इन्ना गुजारिया है। अली जी जिस निकाह दे पीरियड दे अंदर मैं फातिमा कोलों कोई वादा घाटा हो गया होवे ते अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दिया जे। हजरत अली फरमांदे ने नी फातिमा किवें दी गल कीती आ, वेखना तूं ते उच्चे रसूल दी बेटी है तूं ते उच्चे पैगंबर दी बेटी है, कदी मैनू खाण नू लभ जांदा सी कदी खाण नू नहीं सी लभदा। नी फातिमा अगर मैं भुखा सौ जांदा सां ते तू भी मेरे नाल भुखी सौ जांदी सैं। फातिमा मैं तेरी अज़मत नू सलाम करना वा। फातिमा तू दुनिया अंदर मैं बड़े बड़े भुखा ते दिन वेखे ने, लेकिन फातिमा तू ते अज तक मेरा कदी गिला ही नहीं सी कीता, तू ते कदी मेरा शिकवा ही नहीं सी कीता। फातिमा रो के कहती है अली जी वेखो ना मैं तुहाडा भला किला किवें कर सकदी सां, वेखो ना मैं उच्चे रसूल दी बेटियां मेरे बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों तुहाडे नाल टोरिया सी ते मेरे अब्बू जान ने ते इक गल समझाई सी ए मेरा पुत्र फातिमा अली मेरा बड़ा कमजोर जी आई ते मेरे अली नूं तंग ना करया करी। अली जी मैं तुहाडे वेड़े दे अंदर अपनी जान ते दे सकनी वां लेकिन अपने अब्बू जान दी ना फरमानी नहीं कर सकती। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला सैयदा फातिमा फरमादियां ने अली जी जदों मैं दुनिया तो चली जावा मैनू कफन भी आप देना जे ते मैनू गुसल भी आप देना जे, कफन भी आप देना ते गुसल भी, बोलो कफन भी आप ते गुसल भी। बीवी खामद नू कह रही है ते इत्थे कहंदे ने जी ना ना निकाह टुट गया है, बंदा फौत हो जाए बीबी फौत लागे ना आवे निकाह टुट, और निकाह को धागा जड़ा टुट गया लोगों के ईमान को खराब करन टुरे ने। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे तबके को हदायत नसीब फरमाया, आमीन कह दो। निकाह टुट गया बंदा फौत हो जाए बीबी का निकाह टुट गया बीबी लागे ना आवे बंदे दी मंजी दे चार पाई दे। आओ ये दुनिया दियां खराफात ने, आओ मैं पैगंबर दा फरमान सुनावा। आप फरमांदे ने अगर बीवी ने के बोलो बीवी खामद भी ने के यही नकाम मौलवी साहब का पढ़ाया होया दुनिया का जन्नत भी चलेगा। सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर भी चलेगा। रब का वास्ता जे मौलवीओ लोगों के ईमान को खराब ना करया करो। मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने, अली जी जदों मेरे जिसम ते कबर का लिबास आ जाए फिर मेरे जिसम के उत्ते कबर दे यानी कफन के उत्ते भी एक बड़ी करके चादर नूं पा लेना है। सुने सुने मेरी मां भैन फातिमा दा खलाक सुनो, फातिमा दा ईमान सुनो, फातिमा दी गैरत सुनो, फातिमा दी हया सुनो। अज दुनिया दी औरत नहीं भरा दे कोलों पर्दा करके गई है, घर गैरतमंद सी ते बाहर जाके बेगैरती हो गई, घर दे अंदर हया सी ते बाहर बेहयाई दा जनाब नतीजा निकलदा पिया। मैं सारियां मावां भैनां नूं नहीं कहंदा, बड़ियां बड़ियां मावां भैनां अल्लाह दियां नेक बंदियां ने, लेकिन कई साड़ियां भैना यकीन जानो ना कुरान का ख्याल रह गया ना पैगंबर दे फरमान का ख्याल। अली जी जदों मेरे जिस्म ते कबर दा लिबास कफन आ जाए ते मेरे कफन दे उत्ते भी एक बड़ी करके चादर नूं पा लेना है, क्योंकि मैं समझनी हां मैं उच्चे रसूल दी बेटी हां, मैं उच्चे पैगंबर दी बेटी हां। अज तक फातिमा दा चेहरा दो बंदियां ने वेखिया है, या ते फातिमा ते बाबा मुहम्मद ने वेखिया है या फातिमा ते खामद अली ने वेखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी तीसरे बंदे दी फातिमा दे चेहरे ते कफन ते नजर ना पवे, उत्ते बड़ी करके चादर नूं पा लेना है। क्यों मैं समझनी आ, मैं कहनी आ कि उच्चे नबी दी धी फातिमा दा जनाजा जांदा पिया होवे ते फातिमा दा चेहरा वेखना ते दूर दी गल ए को नजर पा के मुहम्मद दी धी दा कफन तक भी ना वेख सके। इहने हया फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे नबी दी बेटी फातिमा तो ज़हरा सोने जिंदगी दा की पता ही केड़े मोड़ ते मुक जाए, केड़े मोड़ ते खत्म हो जाए। ते मेरे नबी दी धी फातिमा ने नमाज छड़ी, हजरत अली ने नमाज छड़ी, नबी दे सहाबा ने बोलो नमाज छड़ी। तकरीरां दे चस्के वास्ते मौलवी बुला लो ते नमाज एक ना पढ़ो। यकीन जानो जलसा कराने वाले बेनमाज, जेड़े मौलवी साधे ने वह भी बेनमाज। रात नूं तकरीर हुंदी है, रात एक जरूरी ऐलान सुनो, मौलवी साहब आए ने ते जमात भी हो गई है अजान दे नाल, ते इंज करो जिहड़ी गल दा तुहानूं डर सी ओह लै गया ते हुण आओ सारे जलसा करिए। अच्छा मैनूं ईमानदारी नाल दसो, ये हुण मस्जिद वाड़ आए ने ते अल्लाह की अजान ते आवाज़ ते आए ने कि मौलवी साहब की आवाज़ ते आए ने? बोलो ना, मौलवी साहब की आवाज़ ते आए ने। तो फिर अद्धे बंदे इंज दे बैठे होंदे ने जलसे च जिन्ना इशा नहीं पढ़ी होंदी, तो अल्लाह की खैर अद्धे इंज दे लभ जाणगे जिन्ना सवेरे उठ के फजर नहीं पढ़नी। आया ना स्वाद जलसियां दा ना सुनियो, पांच टाइम दी वादा करो आपां जिहड़े बेनमाज ने नमाज़ां पढ़ांगे। अल्लाह माफ करे, तो नहीं आंदा भी मौलवी साढ़े ते फतवा लाण दिया ना। इसे वास्ते मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना, मेरे नबी दी धी भी नमाजन ते मेरे नबी दा दमाद भी नमाजी, मेरे पैगंबर दे साथी ते जानसार। एक भी तरबियत है फातिमा दी। फातिमा ने पांच नमाजां पढ़ियां ने, फातिमा ने तहज्जुद भी पढ़ी है ते इशराक भी पढ़ी है। एक रोज मोमिनो तुम मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना, दुनिया की किसी कोल्ड करीम अंदर हुसन नहीं जड़ा अल्लाह ने वुज़ू दे पानी अंदर हुसन रखे है। इतने मैं कई जवाना कवा नमाज पढ़, कहते ने मौलाना औखे वक्त दियां नमाजां हुंदियां ने, नमाजां बुढ़े बुढ़े बाबे पढ़ लैनियां, तुसी मौलवी पढ़ लो। मेरे ते जवाए करम दे दिन ने, मेरे ते सैरां करम दे दिन ने, मेरे ते मौज मस्तियां दे दिन ने। बुढ़ा होवांगा ते पांच टाइम दा नमाजी बन जांगा। ऐसे जवान नूं समीउल्लाह साजिद दा पैगाम है, जिहड़ा कहंदा मैं बुढ़ा होवांगा पांच टाइम दा नमाजी बन जांगा। ओ सुनिया क्या तेनू पता है मेरे ते जवानियां तो बाद बुढ़ापा भी आना है कि नहीं? इत्थे कईयां बाईयां बाईयां सालां दे जवानां नूं मय्यतां दे अंदर जांदेआं वेखदे जे, इत्थे त्रियां त्रियां सालां दे जनाज़ियां नूं उठदेआं वेखदे जे। ओए पता नहीं तू मस्जिद दीयां सफां अंदर बाद अंदर आके खड़ा होवें कि तैनूं अगे रख के पिछे जनाजे दीयां सफां पहिलां सीधियां कर दित्तियां जाण। और नमाज़ां ना पढ़न वालिया, पता नहीं तू मस्जिद दा दरवाजा बाद अंदर लंघे कि तैनूं कबर दा दरवाजा पहिलां ही लंघना पै जाए। जे कोई जवान है तो मैं उहदी जवानी नूं की करा? इत्थे ते यूसुफ के नानी वर्गा जवान दुनिया छड़ के चला गया ही। जे तू सोना है तो मैं तेरे सोन नूं की करा? ओ इत्थे ते रब दा नबी यूसुफ खूबसूरत दुनिया छड़ के चला गया ही। ओ जे तू तकबर वाला है तो मैं तेरे तकबर नूं की करा? इत्थे ते रब ने करों नूं समेत तकबर जमीन दे अंदर दंसा दिता ही। ओ सुनिया क्या तेरा हुस्न तू सोने होण ते मान करना है? ओ क्या तेरा हुस्न नबी यूसुफ दे हुस्न दा मुकाबला ते नहीं कर सकदा? सुनिया क्या तेरी खूबसूरती मेरे मोहम्मद दे चेहरे दा मुकाबला ते नहीं कर सकदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर मान ले मेरी ये मां बहने मेरे नबी दी बेटी भी पांच टाइम दी नमाजन, तू नमाज क्यों नहीं पढ़दी? मेरे जवाना मेरे नबी पाक दे सहाबा नमाजी, सहाबा दे नारे लाण वाले तू बेनमाजी ते किस वजह तू बेनमाजी? एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, जो पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। जिस रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया, ओ मारे शर्म के तुम्हें आएगी खया, मारे शर्म के तुम सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक फरमाते ने मेरे को जिब्रील आया, जिब्रील मैनू हुणे दस के गया सोहणिया महबूबा अल्लाह ताला ने तुहाडी बेटी फातिमा दा किरदार अखलाक, तेरी बेटी फातिमा दी वफात ते हयात ते गैरत वेख के ऐलान कीता है, अल्लाह ताला ने तुहाडी बेटी फातिमा नू जन्नत दीयां सारियां औरतां दी सरदारी अता कर दिती है। जन्नत दीयां सारियां औरतां दी सरदार फातिमा, जन्नत दीयां बीबियां दी सरदार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अनहा। आओ मेरियो माओ ते बहनों, बुजुर्गों ते जवानों, अज तो बाद इंशाअल्लाह सानू दुआ है अल्लाह ताला सानू सारियां नू नबी पाक दे सहाबा दे तरीके ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। मावां बहनां नू मां खतीजा सैयदा फातिमा दा किरदारो अखलाक अपनाउण दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।